हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स क्लास 8th एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म देखिए, जो हमने ये फर्स्ट किया है, फर्स्ट के जितने भी पार्ट हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये यूजुअल फॉर्म है। और यूजुअल फॉर्म से हमने किस में चेंज किए थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब ये जितने भी पार्ट है सेकंड के सारे किसके फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड की फॉर्म में। और कन्वर्ट करने हैं आपने किस में, यूजुअल फॉर्म में। तो देखिए कैसे करेंगे, मेथड एक ही रहेगा। जैसे आपके पास है फर्स्ट पार्ट, कैसे सोल्व करेंगे, 3.02 ये आपको गिवन है। जो ये 10 की पावर है ना, ये जो 10 की पावर माइनस है, तो आप इसको नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में और इसको किस में कर देंगे, प्लस में। जैसे इसमें आपको सॉल्यूशन में शो हो रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो 10 की पावर अगर आपने माइनस में आपको नज़र आ रही है ना, तो आप उसको प्लस करेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये आपको गिवन है 3.02, नीचे कितना था, 10 की पावर 6। आगे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, देखिए 3 या आप पॉइंट ओपन कर देंगे 3.02, 10 की पावर तो 6 है ही पहले से ही। ये देखिए आप पॉइंट को ओपन कर देंगे, 10 की पावर 6 तो है ही पहले से ही, मल्टीप्लाई 3 के बाद पॉइंट है तो इसके लिए 1 आ जाएगा। पॉइंट के बाद देखिए दो डिजिट है 02, यानी कि 10 की पावर 2 भी लिख सकते हो, 20 की बजाय आप क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 2। आपको पता है यदि बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड 6 + 2 क्या हो जाएंगे, 8। 3.02 डिवाइड में 10 की पावर 8। अब देखिए क्या करेंगे, बहुत लास्ट स्टेप बचा आपके पास, 3 डिजिट है यहाँ पे, 10 की पावर 8 है, तो 3 माइनस कर दो, 3 डिजिट ही हैं जो, 1, 2, 3 3 डिजिट जो है, कितने बचे, 5। तो आगे की तरफ 5 0 लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 आगे पॉइंट लगा देंगे, दिस इज द आंसर। यदि पावर नेगेटिव में हो तो 0 आपको पता ही साइड आएंगी, और पॉजिटिव हो तो आगे की साइड आएंगी। तो इस तरह करना आपने, जैसे सेकंड को देखिए पावर पॉजिटिव में है, 4.5 मल्टीप्लाई 10^4। आप क्या करेंगे, पॉइंट को ओपन कर देंगे, पॉइंट के लिए 1 आएगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 मल्टीप्लाई कितना, ये देखिए 45 क्या आएगा, 45 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई कितना था, ये पहले से 10 की पावर 4। और जिसकी कोई पावर नहीं उसकी पावर 1, आप यहाँ पे मेथड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n, क्या होता है, ए की पावर m माइनस के n। ये देखिए m की जगह 4, n की जगह 1, यानी 4 माइनस 1 क्या बचेगा, 3, यानी कि 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, यानी कि 10 जो है कितने टाइम रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, 3 टाइम, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, 45 बन जा 45, 45 बन जा 45, 45 बन जा 45, 3 टाइम 0 है तो 3 टाइम आप 0 अप्लाई करेंगे, दिस इज द आंसर। यदि पावर पॉजिटिव है पता आपको आगे की तरफ आएगा, पावर नेगेटिव है तो इस साइड 0 आएंगे। अब देखिए ये आगे पास 3 × 10⁻⁸ माइनस है ना, तो आप क्या करेंगे, इसको पहले प्लस में चेंज कर लो आप। अब देखिए 3 एक ही डिजिट बचा ना यहाँ पे, यहाँ 8 है, एक डिजिट ये माइनस कर दो, कितना बचा, 7, तो आगे 7 0 लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और आगे क्या लगा देंगे, पॉइंट, दिस इज द आंसर। इसी तरह आपने ये हर पार्ट को सोल्व करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे को प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, माय व्हाट्सअप नंबर इज 999-138-2012। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह आपने हर क्वेश्चन को आपने क्या करना है, सोल्व करना है।